हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे जी पैट नाइपर फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर एक्सक्लूसिव सीरीज में आपका स्वागत है। आज फिर से पीछे बारिश हो रही है, उस डिस्टरबेंस के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वीडियो का, वह है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन, यानी कि हमको आयरन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आगे जाकर के टॉक्सिकोलॉजी में आयरन पॉइजनिंग का रूप भी ले सकती है और एनीमिया का बेसिक कारण भी बन सकता है। इसीलिए एज के अकॉर्डिंगली किसको कितना रिक्वायरमेंट है वो आप आज इस टेबल से जान जाएंगे। सब्जेक्ट मतलब जिसको आप दोगे वो पेशेंट की एज क्या है। अभी मैं फिलहाल पेशेंट बोल रहा हूँ, हालांकि उसको आप कंसिडर करिए पर्सन। और उसका जो रिक्वायरमेंट है वो mg पर kg में है। तो पहला है इन्फेंट, इनको कितना चाहिए? इनको चाहिए 67 mg पर kg। अगर किसी का 1 kg वेट है तो उसको जाएगा 67 mg, और अगर किसी का वेट 2 kg है तो इसका डबल, और किसी का वेट अगर आधा है तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। सो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन जिसको आप आराम से कर सकते हो। अगर हम किसी चिल्ड्रन के बारे में बात करें तो उसको देना होगा 22 mg पर kg। टू दी पॉइंट है, कोई सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन इसकी आवश्यकता है ही नहीं। एडोलेसेंट मेल, एक यंग मेल को कितना दोगे आप? 21 mg पर kg। एक एडोलेसेंस फीमेल को कितना रिक्वायरमेंट होगा? 20 mg पर kg। एडल्ट मेल, एडोलेसेंस मतलब एक युवा अवस्था में जा रहा, और एडल्ट मतलब ये ऑलरेडी मैच्योर्ड है, इसको जरूरत पड़ेगी 13 mg पर kg की। एडल्ट फीमेल को जरूरत पड़ेगा 21 mg पर kg। यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि कई सारे यहाँ पे फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहाँ पे हमको आयरन जो कि ब्लड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट है उसकी ज़रूरत थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी। नेक्स्ट है, अगर हम प्रेगनेंसी के रिस्पेक्ट में बात करें तो ऐसी कोई महिला जो अपने सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में होगी तो उसको कितनी रिक्वायरमेंट होगी? उसको चाहिए 80 mg पर kg। नाउ दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज उसके अंदर वूम में एक फीटस और डेवलप हो रहा है, तो उनको भी न्यूट्रिएंट, उनको भी आयरन चाहिए, और वहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम भी हमको इंक्रीज करना है। तो उसके रेस्पेक्ट में आप देखिए 80 mg है जो फिलहाल अभी तक पूरे टेबल में सबसे ज़्यादा रिक्वायर करता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर करके फीमेल को और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन की सही खुराक देने की सलाह देती है। इसके बाद है मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, ऐसी महिलाएं जिनको मेंस्ट्रुअल हो रहे हैं उनको उस केस में कितनी ग्राम की जरूरत पड़ेगी? तो दैट इज 50 mg पर kg। यहाँ पे आपको सीधा सीधा वैल्यूज याद करनी है, कोई स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो जो छोटा सा टेबल आज आपने देखा, इसे हमने अडॉप्ट किया था टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय प्रसन्न आर भंडारी, थीम मेडिकल पब्लिशर, और इसका जो पेज नंबर है वह है 439। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा जो सीरीज़ है वो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। इस बुक का डिटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप सोशल फार्मेसी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं, उसके बाद स्टोर टैब में जाकर के हमारे कंप्लीट फार्माकोलॉजी कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको वीडियोस लेक्चर के साथ साथ पूरे केडी त्रिपाठी का ऑनलाइन एमसीक्यूज मिलेगा, और वो भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट, यानी कि कोई सीमा नहीं है, जितने बार चाहें उतने बार अटेम्प्ट करें, जब तक अटेंड करें जब तक कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो जाता। तो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।